गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी आपके पास, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग लिखते हैं h1 से, जो कि 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, अब यहां से ये कनकेव मिरर आ गया, ठीक है ना, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ f हो गई, और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, इसलिए माइनस आया, ठीक है ना। एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब u दे दिया कि ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u हमेशा नेगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, अच्छा और क्या दिया इसमें, f दे दिया, u दे दिया, इसने पूछा है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो पहले पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन का मतलब v निकालना है अपने को, है ना। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/v, ठीक है ना। तो 1/f कितना है आपके पास, 20, मतलब -20 = v निकालना है, -1/u कितना है 30, है ना। तो इसको रीअरेंज करते हैं, कितना आएगा, देखो 1/v को रखो यहीं पे, बाकी को उठा किधर ले आओ, तो 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/, देखो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/v = LCM आएगा 60, तो 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो this = -1/60। v का वैल्यू आ गया आपके पास -60 सेंटीमीटर, v का वैल्यू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, है ना। अब आपसे पूछा है नेचर, तो देखो मैं नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव कौन सी होती है, रियल इमेज, है ना। तो रियल इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अब पूछ रहा आपसे साइज h2, तो h2 के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन m बराबर h2/h1 = -v/u, m निकालो, m ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कितना आएगा, h2 का वैल्यू कितना है आपके पास निकालना है, ठीक है ना। h1 का कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, v का वैल्यू -60 आया है, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है -30, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 30 - 60, तो h2 का वैल्यू कितना आएगा, h2 का वैल्यू आपके पास आ गया 5 × 10 = 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मतलब इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है, ओके। तो यहां से आप लोगों के पास साइज भी आ गया, नेचर भी आ गया, और पोजीशन भी आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ओके, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इसमें भी क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मतलब h1 दे दिया आपके पास कितना 3 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इस क्वेश्चन में आपके पास है कन्वेक्स मिरर, पीछे वाले में क्या था कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। याद रखना कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, क्या होती है पॉजिटिव, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब u तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, अब वो चाहिए कनकेव मिरर हो चाहिए कन्वेक्स मिरर, फाइंड पोजिशन, मतलब v निकालना है, क्या निकालना है v निकालना है। तो लगाओ जरा मिरर फॉर्मूला, क्या है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/f, f कितना है 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/v, v निकालना अपने को, है ना, माइनस u कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रियलाइज करते हैं, आ जाओ 1/v = 1/10 + 1/20, 1/v = LCM आ गया 20, तो 2 + 1 = 3/20, b का वैल्यू आ गया 20/3, ठीक है। तो 6.66 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये v आ गया। अब देखो v जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, अब पॉजिटिव आ रहा है इट मींस इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना।
और इमेज अगर वर्चुअल है तो सीधी सी बात है वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है इरेक्ट होती है, तो सीधी भी बनेगी। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं आप, दूसरा आपने से पूछा गया है नेचर, नेचर बता दिया साइज, तो m का फॉर्मूला लगाओ m बराबर h2 upon h1 is equal to v upon u minus के साथ, तो h2 निकालना है, h2 बराबर कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते पहले, h1 का वैल्यू 3, v का वैल्यू कितना है, कितना निकाले हम लोग, ठीक है, तो v का वैल्यू पुट करो जरा कितना है, v का वैल्यू है 20 बटा 3, v का वैल्यू माइनस के साथ है ना, देखो ये माइनस 20 बटा 3, और यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा माइनस 1 बटा 20, यहाँ से 20 टू 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एच टू बराबर कितना आया 1 बटा 3, और 3 इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास साइज ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास An object is placed in front of a convex mirror. एक object है जो कि concave mirror के सामने रखा है at a distance of 20 centimeter. मतलब ये क्या दे दिया आपके पास? U दे दिया minus का 20 centimeter. Image is formed at 40 centimeter. Image कहाँ पर दिया? 40 centimeter. V दे दिया 40 centimeter. ठीक है ना? In front क्या बोला इसने? In front मतलब real image बन रही है. तो negative, ठीक है ना? Find focal length f निकालना है and its magnification, और क्या निकालना है? m निकालना है. ठीक है, तो आ जाओ करते हैं इसको, क्या है फॉर्मूला, a बटा f is equal to a बटा v plus a बटा u, a बटा f कितना है निकालना है, v कितना है माइनस का a बटा 40, और ये हो जाएगा माइनस a बटा 20. ठीक है ना, एलसीएम लो जरा कितना आया, a बटा f इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा यहां से दोनों का 40, ठीक है ना, तो माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 बाई 40, f आ गया आपके पास 40 बटा 3 नेगेटिव के साथ, ये फोकल लेंथ आ गई, ये क्या आ गई है, फोकल लेंथ आ गई। ठीक है ना, आगे देखो इसमें पूछा है मैग्निफिकेशन, तो m क्या होता है, v upon u negative के साथ, v कितना है इसका, साफ साफ पता चल रहा है माइनस का 40, और एक माइनस ऑलरेडी है 40, और डिवाइडेड बाई माइनस का 20, तो 20 दूना 40 मैग्निफिकेशन आ जाएगी 2 नेगेटिव। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा अगला सवाल आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये u दे दिया आपके पास 20 सेंटीमीटर, और यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है ना, द मैग्निफिकेशन, अब की बार मैग्निफिकेशन दी हुई है, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकती है माइनस भी, लेकिन इसमें ये बोला द इमेज फॉर्मड इज रियल, अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब वी निकालना है, क्या निकालना है, वी निकालना है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मतलब एफ निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसने मैग्निफिकेशन दिया है तो इसी को पकड़ लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो u कितना है, पहले तो m का वैल्यू पुट करो जरा, m कितना आ जाएगा, यहीं से पुट को कर देते हैं, तो ये दे रखा है माइनस 3, और ये माइनस v का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और u का वैल्यू कितना है, माइनस का 20, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, v कितना आएगा, v इज इक्वल टू माइनस का 60। ठीक है, v का वैल्यू आ गया, मतलब आपके पास पोजीशन आ गई है। ठीक है, अब क्या निकालना है, फोकल लेंथ, क्या निकालना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ फिर से, 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v, ठीक है, प्लस 1 बाई u। तो 1 बाई f, v का वैल्यू हमने अभी भी निकाला, तो माइनस 1 बटा 60, u का वैल्यू माइनस 1 बटा 20, एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 3 टेन इक्वल टू माइनस 4 बाई 60, तो कितना आ जाएगा, 15। फोकल लेंथ आ गई आपके पास माइनस की 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज और फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपके पास द इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है ना। आपके पास इमेज है वो कनकेव मिरर के सामने बन रही, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, तो V दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब V कैसा है, प्लस या माइनस, माइनस। क्यों, क्योंकि इसने बोला है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो नेगेटिव बनती है, और बिहाइंड द मिरर बने तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन इसमें कितना दिया है, m दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u पूछा है, फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है। आगे लगाते हैं फॉर्मूला, m बराबर h2 अपॉन h1 नेगेटिव के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। तो m का फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू कितना है 4, माइनस v का कितना है, माइनस का 10, और एक माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय u कितना है निकालना है, ठीक है। तो यहां से u का वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा बेटा माइनस 10 बटा 4, मतलब आ गया आपके पास u का वैल्यू 5 बटा 2 माइनस। अब यहां से फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस प्लस 1 बाई u, तो फोकल लेंथ निकालनी है, v का वैल्यू कितना है, ये रहा माइनस 1 बटा 10, u का वैल्यू कितना है माइनस 2 बटा 5 हो जाएगा, 1 बटा f इज इक्वल टू LCM आ गया 10 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 4, 5 गुना 10 2 गुना 4, तो माइनस 5 बटा 10 f का वैल्यू आ गया आपके पास 2, ठीक है, 5 गुना 10 2 माइनस का 2 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ दो कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।